अमेरिका के ओहायो में रहने वाली मेनासा ने एक तकनीक विकसित की है जिसके जरिए दुनिया के उन हिस्सों को रोशन किया जा सकता है जहां सूरज छिपने के बाद जिंदगी अंधेरे की वजह से रुक जाती है। इसके जरिए विकासशील देशों में सस्ती कीमतों में बिजली पहुंचाई जा सकती है। अपने इस आविष्कार के लिए मेनासा को 2016 में अमेरिका का टॉप यंग साइंटिस्ट पुरस्कार दिया गया है। विज्ञान के इस प्रतियोगिता का आयोजन 3M कंपनी और डिस्कवरी एजुकेशन नाम की संस्था करती है। कुछ साल पहले मेनासा मैंडू अपने परिवार के साथ भारत घूमने आई थी। यहाँ उन्होंने बिजली और साफ पीने के पानी का अभाव देखा, लोगों की परेशानियों को देखा। इसके बाद अमेरिका लौटकर उन्होंने एक खास परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने हार्वेस्ट नाम का एक उपकरण बनाया है जिसके जरिए मात्र 5 अमेरिकी डॉलर के खर्चे पर अक्षय ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। उनकी कोशिश थी कि वो एक ऐसा तरीका ईजाद करें जिससे सूरज और अन्य तरह की ऊर्जा को सेव करके उसे बिजली में तब्दील किया जा सके। मेनासा कहते हैं कि दुनिया के 5वें हिस्से के लिए अंधेरा एक सच्चाई है जिसे मैं बदलना चाहती हूँ। मुझे इसके बदलने के लिए कोई रास्ता चाहिए था और मेरा उद्देश्य था कि हार्वेस्ट को दुनिया के किसी भी कोने में इस्तेमाल किया जा सके। मेनासा कहती हैं कि उनको इसके लिए पेड़ों से प्रेरणा मिली और उन्होंने पहले सूरज की रोशनी से बिजली बनाने का काम किया। मेनासा ने पीजो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के बाद हवा के दबाव पर काम करने का फैसला किया। इसके जरिए खास चीज़ों के इस्तेमाल से सूरज की रोशनी, हवा और बारिश की बूंदों को बिजली में परिवर्तित करने और फिर बिजली को मैकेनिकल वाइब्रेशन में परिवर्तित करने की कोशिश की। उनका ये यंत्र हार्वेस्ट किसी भी तरह के दबाव में काम करता है और इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए उन्होंने इसमें सोलर पैनल का भी इस्तेमाल किया है। मेनासा मैंडू चाहती हैं कि उनके इस आविष्कार को लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी और कामों के लिए इस्तेमाल करें और अंधेरे की जगह उनके घरों में उजाला हो। मेनासा मैंडू 15 वर्ष की छोटी सी आयु में जब इतना कुछ करके दिखाती हैं तो वो एक प्रेरणा स्रोत बन जाती हैं। वाकई इतनी छोटी सी उम्र में एक बहुत अच्छा काम उन्होंने करके दिखाया।